हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, फरवरी शुरू होते ही गार्डन में बड़े सारे काम हो जाते हैं। पहले नंबर पर तो सारे पौधों की साफ़ सफाई करनी पड़ती है, ऊपर से पेंटिंग डेंटिंग का भी काफ़ी काम चल रहा है फ्रेंड मेरे गार्डन में, और आप सबके गार्डन में भी ये काम चल रहा होगा। तो फ्रेंड, मैंने अपने इन सारे गमलों को कलर किया है। ये देखिए, ये स्टैंड पे जो थ्री स्टेप वाले ये गमले हैं, इनको सबको कलर कर दिया है, ये देखिए। और फ्रेंड्स, जो मैंने कलर किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने बर्जर का वालमस्ता लिया है, जो मुझे करीबन ये 300 रुपये के आसपास ये मिला है। और फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत कम पानी इस्तेमाल होता है। ये मुझे जिनसे मैंने लिया है उन्होंने बताया है, तो मैंने पहली बार ये बाल मस्ता करा है। नहीं तो मैं तो हमेशा गेरू ही करती थी, तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, गमले तो छूट जाता था। तो मैंने बहुत से फ्रेंड्स को भी इसका इस्तेमाल करते हुए देखा है, तो पहली बार मैंने भी इसका इस्तेमाल किया है। देखते हैं आगे ये गमलों पे कितने दिन तक टिकता है। और फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा पौधा मैं आपको दिखाती हूँ, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है फ्रेंड्स। ये मेरा पौधा जो मैंने बेबी सनरोज़ का प्लांट मंगवाया था, ये उसी में आया था, तो मैंने इसको बहुत ही मुश्किल से बचाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसकी बहुत ही सुंदर सी छोटी छोटी सी लीव्स निकल के आ रही हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट का क्या नाम है मुझे कमेंट कर बताइएगा, मुझे इसका नाम नहीं पता है। मेरे पास डोंकियर का प्लांट है, मुझे ये कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये देखिए, ये डोंकियर का मेरे पास प्लांट है, ये इसी तरीके का लग रहा है, पर इसकी जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी गोल गोल सी हैं, अलग तरीके की। और फ्रेंड्स, ये देखिए, इस साइड पे भी मैंने अपने गमलों को पेंट कर दिया है। आज पूरा दिन ये मैंने अपने संडे गार्डन वर्क में ओवरव्यू में इसको शामिल करा है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरे गमले इस टाइम पूरे फैले हुए हैं, ये देखिए, और कुछ इधर फूल भी खिले हुए हैं बहुत ही प्यारे से। और फ्रेंड्स, मैं आपको अपना जो मैंने अपने गार्डन में जो साइड में मेकओवर किया है वो दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा अपने गार्डन में, बसंत ऋतु है, बसंत पंचमी आने वाली है, उसके लिए थोड़ा सा तैयारी करी है अपने गार्डन में। देखिए फ्रेंड्स, ये बोतल हैं सब, और गमले यहाँ पे कुछ कम दिखेंगे आपको। जो ये स्टैंड है ये भी मेरा जुगाड़ का ही बना हुआ है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो बच्चों की छोटी सी खिलौने होते हैं, बस जो मेरे बच्चों की थी, बहुत पुरानी रखी हुई थी, तो मैंने इसको टाइल्स लगकर इसको ऊपर प्लांटर रख दिया है। फ्रेंड्स, जब ये हवा चलती है तो ये बस चल भी पड़ती है अपने आप, ये प्लांटर लेके, छोटा प्लांटर रखा है तो इसीलिए ये चल देती है। और फ्रेंड्स, ये बिना ब्रेक के बस है, कहीं पे भी निकल लेती है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने कुछ ये अपने गार्डन में ये प्लांटर बनाए हैं। फ्रेंड्स, ये सब मैंने पहली बार बनाए हैं, आपको ये कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये ऊपर भी मैंने एक प्लांटर ये बनाया है। और फ्रेंड्स, ये मैंने बोतल के जो प्लांटर बनाए हैं ये रखे हुए हैं, लड़का लड़की, और ये बनी प्लांटर रखे हुए हैं। और फ्रेंड्स, ये देखिए, बसंत आते ही ये देखिए मेरी टर्टन वाइन कुछ इस तरीके से निकली है, पूरा गमला मेरा भर गया है, बहुत ही सुंदर तरीके से ये निकली है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो मेरा सेट केस पुराना हो गया था उसके अंदर छोटा सा ये मैंने मिनी जू बनाया है। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, अभी इसमें भी कुछ पेंट वगैरह मैं करूँगी। और ये जो है पीकॉक है, ये जो पीकॉक है ये जेड प्लांट से बना है, बस थोड़ी सी इसकी पूंछ और मुंह रह गया, बहुत धीरे धीरे ये बन रहा है। और ये ट्रे देखिए मेरी कंप्लीट हो गई है, छोटी सी जो मैंने इसके अंदर
ये मिनिएचर छोटा सा बनाया है, ये देखिए। और फ्रेंड्स एक मैंने और अपने मेकओवर किया है छोटा सा, ये खिड़की के ऊपर कुछ प्लांट मैंने इस तरीके से लगा दिए हैं। ये सब बोतल के बने हुए हैं। इसमें मैंने जो प्लांट लगाए हैं वो भी अपने गार्डन से ही लिए हैं। और फ्रेंड्स आज पालक की हार्वेस्टिंग हो गई है, तो अब इसमें नैनोक्लोक मूस रोज़ वगैरह के लिए भी जगह बन गई है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो है मेरा टमाटरों का बहुत ही सारे जो पौधे लगे हुए हैं उनमें टमाटर काफ़ी सारे और ज़्यादा निकल आए हैं, ये देखिए। और फ्रेंड्स मेरा ये काला सोना जो है बनकर तैयार हो गया है, बस अब इसको छानना है मुझे। ये देखिए ये बहुत ही कीमती खाद बनी है, अब मुझे बाज़ार से खाद लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने मिर्चों के पेड़ की कटिंग करी थी उसके बाद देखिए इसमें कितना अच्छा फल लगा है, कितनी बड़ी बड़ी मिर्चें इसमें अब दोबारा से लगी हैं, ये देखिए। अब इसको मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं किया है, अब इसको मैं फर्टिलाइज़र भी दूंगी ताकि और ढेरों ढेर मिर्ची आए। फ्रेंड्स एक बात और बताती हूँ, ये बहुत कड़वी मिर्च है, थोड़ी सी भी सब्जी में डाल दो तो बिल्कुल सब्जी में पता चल जाता है कि हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है मैंने। ये देखिए फ्रेंड्स, क्लैंचों में भी बहुत प्यारे से फूल खिलने शुरू हो गए हैं, ये देखिए। ये देखिए मेरा कैल का प्लांट है, भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब इनका में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और इधर ये देखिए बहुत ही प्यारे से फूल निकल रहे हैं ये। और इसमें देखिए आप पिटूनिया में बहुत ही प्यारा ये कलर है, और ये पेंजी में कलर है, और एक पीछे ये कलर है। फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी तुलसी जी का प्लांट, जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदला है तो ये देखिए कैसे ये हरी हो गई है दोबारा से। फ्रेंड्स जो मैंने इसका इसमें फर्टिलाइज़र डाला था उसी फर्टिलाइज़र का ये मेरे प्लांट के ऊपर बहुत ही अच्छा असर आया है। उसके ऊपर भी मैं अब जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैंने अपने प्लांट को कौन सा फर्टिलाइज़र दिया था तुलसी जी के। और फ्रेंड्स ये बहुत प्यारे दो फूल ये भी निकले हुए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स मिर्ची गुड़हल में भी फूल निकले हुए हैं। मैंने काफ़ी जो पौधों हैं उनकी प्रूनिंग कर दी है, ये देखिए ये मेरा एक पौधा था इसकी मैंने प्रूनिंग अच्छी तरीके से कर दी है। और एक्सेरा में भी देखिए फ्लावर खिलने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स संडे गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ये पेंट का कलर कैसा है इसको भी, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।